हमारा जो सबडिविजन हुआ है फॉर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट सबडिविजन फॉर लैंड एट पैरामाउंट फ्लोरा विला सेक्टर उसमें स्टैम्प वैल्यूएशन जो हुआ है इट इज 125% और 25% एक्स्ट्रा हुआ है। और बिल्डर ने लिख के दिया है जिसमें नोएडा अथॉरिटी के भी सिग्नेचर है, यानी नोएडा अथॉरिटी भी लाइव मिला इसके लिए कि हमें ये फैसिलिटीज मिले। उसमें लिखा है उसने पावर बैकअप, यस तो पावर बैकअप हमें मिलना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड, यस हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटर क्लब, यस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है वो? और स्विमिंग पूल नहीं मिल रहा, जिम नहीं मिल रही है, लिफ्ट नहीं मिल रही है, और जो बेसिक कम्युनिटीज है हमें प्रॉपर वो होनी चाहिए वो नहीं है। अगर बिल्डर हमसे 1 अगस्त 2015 से मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है और हमें ये फैसिलिटीज नहीं दे रहा है और वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो कैसे LOC ले लिया उसने? और वो अगर इसको नहीं दे रहा है तो हमसे तो पैसा ले लिया, उसको कैसे कंपनसेट करेगा हमको जो चीज़ों को हम डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट्स रहे? तो हमारे जो राइट्स हैं देज आर ऑल लेजिटिमेट राइट्स एंड दे शुड बी रेस्टोर्ड एंड दे शुड बी गिविन टू ऑल रेजिडेंट। ये हमारे बिल्डर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम बिल्डर से ये कहते हैं कि हमें ये जो है जो उसने ऑब्लिगेशन नोएडा अथॉरिटी ने उसने दी है वो हमें मिलना चाहिए। हम तो पीसफुल रेजिडेंट हैं, हम तो पीसफुल ही ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें हमारा हक हमारा हक चाहिए। जब बिल्डर ने हमसे अपना इंटरेस्ट लिया, अगर डिले पेमेंट लिया उसकी उसका हमें जो है उसने डिले का वो 5 रुपये का वो नहीं दिया, क्लॉथ निकाल के उसने 5 क्लॉथ निकाल दिया उसने कि भाई नहीं मिलेगा, तो वो तो बिल्डर अपने हिसाब से कर लेता है। पर हमें जो हमारा हक है, जो हमारी फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, ये सब कुछ हमारी वो होनी चाहिए। और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में जो हमारा ये जो हो रहा है CCTV है, इसकी भी क्या पुलिस से भी वो होनी चाहिए वेरिफिकेशन कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हम लगे कि नहीं लगे, हमारी मांगे पूरी करो।